नमस्कार साथियों, पर्यावरण की इस सीरीज में मैं शिवम मिश्रा आप सभी का पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने परिवार टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने परिवार टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर सर्च करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है भोजन एवं स्वास्थ्य। भोजन एवं स्वास्थ्य से संबंधित हम सभी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं और यह इस सीरीज का पहला पार्ट है। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि MPTET, UPTET या CTET, इनमें से किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, निम्न में से कौन सा शब्द संतुलित आहार को परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है एक ऐसा आहार जो अच्छी तरह से पकाया गया हो और उसमें उचित मसाले हों। दूसरा ऑप्शन है एक ऐसा आहार जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हो। तीसरा ऑप्शन है एक ऐसा आहार जो स्वादिष्ट हो। और चौथा ऑप्शन है एक सुगंधित आहार। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको पता होगा कि सेहतमंद रहने के लिए एक व्यक्ति को उचित मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। और ये जो भोजन की आवश्यकता होती है, ये जो जरूरत होती है, वो अगर हम देखें तो सामान्यतः आयु पर, लिंग पर या फिर कहें तो कार्य की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक संतुलित आहार की बात करते हैं तो संतुलित आहार में उचित मात्रा में सभी प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं और इसमें जो मौजूद विटामिन होते हैं वो हमें विटामिन क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर को सेहतमंद बनाए रखने के लिए मदद भी करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि संतुलित आहार में क्या गुण होते हैं, संतुलित आहार की अगर हम गुण की बात करते हैं तो ये शरीर की जो है पौष्टिक जो जरूरतें होती हैं उन पौष्टिक जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, भोजन सामग्रियां भी आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ में अगर हम बात करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा बनाने में किस पेड़ का उपयोग किया जाता है? कुनेन, सिंकोना का, नीम का, अशोक का या बहेड़े का? इसका सही उत्तर सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर रहेगा। कुनेन जो है, सिंकोना जो है पेड़ की सूखी और पिसी हुई छाल का उपयोग किया जाता है किसकी दवाई में, तो मलेरिया की दवाई में इसका उपयोग किया जाता है। और आपने एक नाम और सुना होगा मलेरिया की दवाई के लिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जो कि कोरोना काल में इसका नाम बहुत ज्यादा प्रचलित रहा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नीम की, तो नीम भी आपका एक पेड़ है जो कि औषधीय वृक्ष के रूप में हम इसको जानते हैं। नीम का जो है वानस्पतिक नाम होता है एजा डायरेक्टा इंडिका, इसको कहते हैं। और यह एक पर्णपाती वन है। कैसा वन है? पर्णपाती वृक्ष है, सॉरी वन नहीं है, वृक्ष है। और पर्णपाती वृक्ष की अगर हम बात करते हैं तो उसकी पत्तियां क्या है, झड़ जाती है। अगर हम बात करते हैं अशोक की, तो अशोक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी भी प्रकार का शोक ना होना। क्या ना होना? शोक ना होना, उसको हम कहते हैं अशोक। और यह एक पवित्र वृक्ष माना जाता है और जिस भी स्थान पर यह लगा हुआ होता है उस स्थान पर कभी भी अशांति नहीं रहती है। और इसके जो पत्ते होते हैं उनके पत्तों का योग जो उपयोग करते हैं मांगलिक कार्यों, धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। बहेड़े का भी नाम सुना होगा आपने, बहेड़ा को हम विभीति की भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित हीनता जन्य रोग में से कौन एक वर्ष से कम बच्चे को प्रभावित करता है? कुपोषण, सूखा रोग, बौनापन और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूखा रोग, यानी कि इसको हम कहते हैं मैरास्मस। और मैरास्मस एक ऐसी प्रकार की जो है बीमारी होती है जो कि अगर आप देखें तो प्रोटीन या वसा की, प्रोटीन की जो है कमी से कारण होती है। इस बीमारी में जो लक्षण होते हैं बच्चे में, वो लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं कि उसकी जो है त्वचा
जो होती है वो ढीली पड़ जाती है या मुड़ी हुई होती है, साथ में उसकी आंखें जो होती है धसी हुई आंखें दिखाई देती हैं, ठीक है, धसी हुई आंखें दिखती हैं, चेहरा जो है वो पतला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चेहरा पतला दिखाई देता है। ये क्या है? लक्षण है। अंग भी जो होते हैं शरीर के जो अंग होते हैं वो अंग भी क्या कैसे दिखाई देते हैं? तो पतले दिखाई देते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं। और इसके अलावा जो है मानसिक विकास जो है और शारीरिक विकास भी बंद हो जाता है, ठीक। तो ये प्रकार की जो है बीमारी हो जाती है सूखा रोग के अंतर्गत, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मुख्यतः रोल निभाता है तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी की कमी से ये रोग हो सकता है और यह रोग कुछ स्थितियों में आनुवंशिक कारण से भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेडरिक सेंगर द्वारा अनुक्रमित पहले प्रोटीन का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, पेप्टाइड और म्यूट ग्लोबिन। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंसुलिन। इंसुलिन अनुक्रमित होने वाला पहला प्रोटीन था। और अगर हम बात करते हैं, यह एक प्रोटीन श्रृंखला है जिसमें 51 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। फ्रेडरिक सेंगर जो थे वो एक इंग्लिश जैव रसायनिक थे। और अगर हम बात करते हैं, जो फ्रेडरिक सेंगर हैं उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, ठीक है। और ये ऐसे चौथे व्यक्ति हैं जिनको 2-2 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का स्रोत है? मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां, नमक और केकड़े। 4 आपके पास ऑप्शन है कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा और चौथा सही है या उपरोक्त सभी सही है। देखिए यहां पर हम बात करते हैं तो जो मछली है, केकड़े होते हैं, झींगा होते हैं इत्यादि प्रकार के जो समुद्री जीव हैं या समुद्री खाद्य पदार्थ हैं उनमें नमक में आयोडीन की अधिक मात्रा होती है इन चीजों में, ठीक है। आयोडीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा आवश्यक तत्व है जो कि हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है आपका आयोडीन। अगर हम बात करते हैं मानव शरीर में लगभग जो 60% आयोडीन होता है वो होता है आपकी थायराइड ग्रंथि में। कहां पर? थायराइड ग्रंथि, ठीक है, गले में होती है ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अन्य खनिजों की तुलना में शरीर को किन खनिजों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है सल्फर और आयरन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम और आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस और मॉलिब्डेनम और चौथा ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए बात करते हैं हम खनिज की, और खनिज जैसे जो विटामिन सुरक्षात्मक जो खाद्य पदार्थ हैं तो वे खनिज जिनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस है, फास्फोरस के अलावा जो है सोडियम है, सल्फर है, या फिर कहें तो क्लोराइड है, मैग्नीशियम हो जाता है, इनकी क्या होती है हमें आवश्यकता होती है। कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम जो होता है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज होता है। हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कैल्शियम, और ये रक्तचाप को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर होता है उसको भी कंट्रोल करता है, और हृदय जो है हमारा, जो हमारा हार्ट होता है, हृदय को भी स्वस्थ बनाए रखता है, ठीक है।
मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम भी एक महत्वपूर्ण आपका खनिज है और ये हमारे गुर्दे के लिए फायदेमंद होता है, हृदय और मस्तिष्क को भी ये स्वस्थ रखता है मैग्नीशियम। और अगर बात करते हैं फास्फोरस के बारे में, तो फास्फोरस की अगर हम चर्चा करते हैं तो यह आपकी हड्डियों के लिए और हड्डियों के साथ आपके जो दांत होते हैं उनके निर्माण में, या फिर कहें तो कोशिका की उचित कार्य प्रणाली में इसका हम आवश्यक रूप से उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी घेंगा मंद विकास और मानसिक रोग का कारण बनती है? फास्फोरस, आयोडीन, आयरन और कैल्शियम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है आयोडीन की। तो आपको पता होगा कि आयोडीन की कमी से घेंगा नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, मंद विकास या फिर हम कहें कि मानसिक रोग जो है वो भी इसके कारण हो सकता है। घेंगा एक प्रकार का रोग होता है जिसमें हमारा जो गला होता है वो फूला हुआ नजर आता है। कैसा नजर आता है? फूला हुआ नजर आता है। और ये होता क्यों है? आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। और इसकी कमी हो जाने के कारण जो थायराइड ग्रंथि होती है, जैसा कि मैंने आपको वही थोड़ी देर पहले बताया था कि वो गले में होती है, और थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। और जैसे ही सॉइलिंग आती है या सूजन आती है तो गला क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं घेंगा। और ये रोग जो है घेंगा रोग वो वहां पर ज्यादातर होता है जहां पर पानी में क्या होती है? आयोडीन होता नहीं है या फिर बहुत ही कम मात्रा में होता है। आयोडीन जो है नहीं होता है वहां पर, क्या होता है आपको ये चीज देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं तो अगर आयोडीन वहां पर नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आयोडीन की पूर्ति के लिए आप जो नमक आता है, आयोडीन युक्त नमक आता है, मार्केट में मिलता है, ठीक है, तो उस नमक को खाने की सलाह यहां पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे भोजन में अपचनीय सामग्री कहा जाती है कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, स्थूल पदार्थ को या खनिज को? अपचनीय सामग्री के बारे में बात हो रही है। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थूल पदार्थ। स्थूल पदार्थ फलों और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों में मौजूद फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर होते हैं, जिसका नाम आपने सुना होगा। अगर देखा जाए तो स्थूल पदार्थ जो होते हैं वो भोजन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? भोजन नहीं होते, लेकिन ये जो है हमारे आहार जो है उस आहार का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। स्थूल पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो स्थूल पदार्थ में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सेल्यूलोज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सेल्यूलोज। और बात करें कि ये करता क्या है या स्थूल पदार्थ के कार्य क्या होते हैं, तो कार्य की अगर हम चर्चा करते हैं तो यह जो आपकी आंत्र होती है उस आंत्र में गति में जो है सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा पाचन तंत्र जो होता है उस पाचन तंत्र को साफ करता है और पाचन विकार जो होते हैं उनसे रक्षा भी करता है। एक चीज और है कि अपच में जो है कमी लाता है। क्या करता है? अपच में कमी लाता है और शरीर में जो है जल के स्तर को नियंत्रित भी करता है। साथ में जो रक्त में शर्करा है या कोलेस्ट्रॉल है उसकी उचित मात्रा को बनाए रखता है। तो ये चीजें क्या होती हैं? ये चीजें मैंने आपको बताई हैं कि ये क्या है, स्थूल पदार्थ के जो है कार्य हैं। और स्थूल पदार्थ में मुख्य रूप से क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ जाए तो एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है इस वीडियो को,
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो अभी यूट्यूब पर जाएं, अपना यूट्यूब ऐप ओपन करें, और यूट्यूब ऐप ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि पेपर लेस स्टडी सर्च करना है। कौन सी? पेपर लेस स्टडी, डिजिटल इंडिया हम बनाकर रहेंगे, पेपर लेस स्टडी आपको सर्च करना है, और पेपर लेस स्टडी जैसे सर्च करें तो आपको देखना है और सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस कर देना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, खनिज की या फिर विटामिन की। देखिए, इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वृद्धि और विकास के लिए शरीर में जो होता है वो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जो भैया बॉडी सॉडी बनाते हैं ना, डोले सोले वाले जो बंदे होते हैं, वो बॉडी बनाने वाले लोगों के लिए ये क्या है, एक प्रकार का बॉडी बिल्डिंग का फूड होता है, ठीक है, एक सप्लीमेंट होता है। और प्रोटीन क्या करता है कि जो नए ऊतक होते हैं शरीर में, तो नए ऊतकों को बनाने में सहायता करता है, निर्माण में सहायता करता है, और शरीर के जो विकास होता है उस विकास के लिए शरीर के लिए प्रोटीन की मात्रा आवश्यक होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को खालिस्तान की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन है स्थूल पोषक तत्व, दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्वों, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, और ए और बी की अगर हम बात करते हैं तो ए में दिया है आपका स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। देखिए बात करते हैं, शरीर द्वारा जो है आवश्यक मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को बेसिकली दो टाइप से ही बांटा गया है, तो वो दोनों टाइप आपके समक्ष है, स्थूल पोषक तत्व है और सूक्ष्म पोषक तत्व है। जैसे कि अगर आपको पता हो कि जो है हमारे पास जो तीन प्रकार के मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं, और उनमें न्यूट्रेंट्स में अगर आप बात करेंगे तो आपको मिल जाता है एक तो प्रोटीन, एक मिलता है आपको कार्बोहाइड्रेट, और एक मिलता है आपको वसा। अगर आप बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स में प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो शरीर की जो ऊतक होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी मरम्मत का कार्य करता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि पुनर्जनन का भी कार्य प्रोटीन करता है। किसका कार्य करता है? पुनर्जनन का कार्य करता है। इसके अलावा जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, या हम कहें कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसके लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर हम देखें, कुल मिलाकर हमें देखा जाए तो 20 प्रकार के आपको अमीनो एसिड भी देखने को मिल जाते हैं इसी के साथ में। क्या मिलते हैं? अमीनो एसिड मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में जो होता है वो चीनी की जो है छोटी छोटी श्रृंखलाएं होती हैं, और ये क्या करती हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। हम बात करते हैं वसा के लिए, वसा की अगर हम बात करते हैं तो वसा ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हमारा शरीर भविष्य के उपयोग के लिए जमा करता है। तो भविष्य के उपयोग के लिए क्या जमा किया जाता है? वसा को जमा किया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वसा को नहीं रहना चाहिए या वसा को टाल देना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो वसा भी अगर हम देखा जाए तो वसा भी हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अच्छी वसा और एक होती है बुरी वसा। एक अच्छी और एक बुरी वसा। खराब वसा जो होती है या बुरी वसा जो होती है उससे बचा जाना चाहिए, लेकिन अच्छी वसा को क्या है, खाना चाहिए। और शरीर के जो कामकाज होते हैं उसके लिए अच्छी वसा का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए
संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना यानी कि इकट्ठा करना। दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक के थैले में रखना। तीसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। और चौथा ऑप्शन है अचार और आम पापड़ बनाना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इसका उत्तर जो हो जाता है वो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। डी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर बात हुई है कि रीना क्या कर रही है, आम यानी कि मैंगो पसंद कर रही है और वह जाड़े के लिए यानी कि सर्दियों के लिए इसको संरक्षित करना चाहती है। इसके लिए उसको क्या करना होगा कि उसका आम पापड़ बना ले, ठीक है, तो उसको संरक्षित कर सकती है, या फिर वो अचार के रूप में भी आम को संरक्षित कर सकती है। तो दो रूप हो सकते हैं, आम पापड़ या अचार, और इस प्रकार से वो क्या है संरक्षित करके इन चीजों को रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पके हुए चावल को एक प्रशीतन में लंबे समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है क्योंकि रोगाणु कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कम तापमान पर रोगाणु को मारकर नष्ट कर सकते हैं या कर देता है। तीसरा ऑप्शन है भोजन में नमी की मात्रा कम तापमान पर कम हो जाती है। और चौथा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को मार डालते हैं। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर वन यानी कि ए जो है सही आंसर हो जाएगा, रोगाणु कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं रोगाणुओं की और रोगाणुओं की अगर हम चर्चा करें तो आपको एक चीज समझ में आ जाती है कि निष्क्रिय हो जाते हैं यानी कि एक्टिव से इनएक्टिव हो जाते हैं, मरते नहीं है। क्या नहीं होते? रोगाणु जो होते हैं रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में अगर आप उसको रखते हैं, किसी भी चावल वगैरह को इस प्रकार से चीजों को रखते हैं, तो जो रोगाणु होते हैं वो मरते नहीं है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जो है ये चीजें होती हैं। अच्छा प्रशीतन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी स्थान या पदार्थ को या किसी भी चीज को उसके वातावरण से तापमान के नीचे तक ठंडा करने की प्रक्रिया को हम प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन कहते हैं। और इसी के माध्यम से ये चीजें हम करते हैं और इससे क्या है कि जो रोगाणु होते हैं वो कम तापमान पर, निम्न तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की कमी से होता है क्या होता है? पहला ऑप्शन है किडनी स्टोन, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है बुखार और चौथा है टाइफाइड। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कई बार रिपीटेड है और बहुत सरल भी है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनीमिया। और आपको पता है लोहा यानी कि आयरन, और आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया नाम का रोग होता हुआ नजर आ जाता है। और आयरन की कमी से एनीमिया तब होता है जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त लोहा नहीं होता है। अगर आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या है तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि हीमोग्लोबिन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कणिकाओं का हिस्सा होता है। किसका? लाल रक्त कणिकाओं का हिस्सा होता है जो रक्त को क्या करता है, एक प्रकार का रंग प्रदान करता है। कौन से प्रकार का? लाल रंग प्रदान करता है। और लाल रक्त कोशिकाओं को आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने में भी सक्षम बनाता है। यदि आप क्या कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में आयरन का सेवन नहीं कर रहे हैं, या यदि आप जितनी आवश्यकता है उससे अधिक सेवन कर रहे हैं, तो आपका शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर पाएगा। और जब पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं हो पाएगा तो लोहे की कमी से बाद में आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ना तो ज्यादा खाना है ना कम खाना है,
एक संतुलित मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर जोरदार शारीरिक व्यायाम के बाद मांसपेशियों में क्या जम जाता है जिसके परिणाम के स्वरूप अस्थाई अवायवीय श्वसन मांसपेशियों में थकान का कारण बनता है। पहला ऑप्शन है एटीपी, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है एथिल अल्कोहल और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहां पर हम बात करते हैं अस्थाई अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप निरंतर जो हम कठोर शारीरिक व्यायाम करते हैं उससे के बाद जो है मांसपेशियों में जो जमता है उसको कहते हैं हम लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड हम इसको कहते हैं और ये हमारे शरीर में जम जाता है जब हम क्या है बॉडी बिल्डिंग वाला काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी शरीर जो है मांसपेशियां जो है वो थक जाती हैं और इन थक जाने के कारण ही क्या है हमारे शरीर में या मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड क्या है जमा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन निम्न में से किसमें उपलब्ध है? सब्जी में, मीट, अंडा और मछली में, उपरोक्त दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। नियासिन की अगर हम बात करते हैं तो नियासिन विटामिन B3 का दूसरा नाम होता है। इसका विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन और ये जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपको मछली में मिलता है, सब्जियों में मिलता है, अंडे में मिलता है, मीट में मिलता है और अन्य कई सारे खाद्य पदार्थों में भी देखने को मिलता है। नियासिन जो है आपका वो जल में घुलनशील है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है तो नियासिन जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है और अगर देखा जाए तो नियासिन जो है वो पाचन तंत्र में, त्वचा के लिए और तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। नियासिन किसके लिए सहायक होता है? पाचन तंत्र, त्वचा और तंत्रिका तंत्र के लिए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट टू जल्द ही आएगा, कल आपके लिए पार्ट टू मिल जाएगा इसी वीडियो का। और अगर आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे टेस्ट सीरीज का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आपको क्या करना होगा उसके लिए, आपको उसके लिए हमारी वेबसाइट www.paperlessstudy.com पर विजिट करना होगा। जैसे ही आप विजिट करते हैं तो आप रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको 499 का अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको टोटल 65 ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिल जाते हैं जहां पर 11 फुल लेंथ टेस्ट और 54 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको संस्कृत देखने को मिल जाएगी, संस्कृत के साथ हिंदी भी देखने को मिलेगी और इंग्लिश वाले भी परेशान ना हो, इंग्लिश भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एमपी टेट के लिए ये अभी सीरीज लॉन्च की गई है। इसके अलावा आपकी यूपी टेट और सी टेट की भी टेट सीरीज यहाँ पर उपलब्ध रहती है। जैसे एग्जाम आता है उन चीजों को अपडेट कर दिया जाता है और अगर यहाँ पर बात करते हैं कोई भी समस्या आती है कभी भी तो 9407375009 इस वाले कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर @mpteacher जरूर सर्च करें और यहां पर जुड़ जाएं। इसके अलावा पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं मुझे फॉलो करना तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। अनअकैडमी पर भी मैं आपके लिए कुछ क्लासेस देता हूं और अगर अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मुझसे इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिससे मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलवा सकता हूं और उस एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। इस कोड का यूज करते हैं तो 10% का तो देखो आपको मिल ही जाएगा और जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं तो जो भी बन पड़ेगा मुझसे वो मैं आपके लिए करवा दूंगा। 10% का इससे हो जाएगा, 10% का आपके पॉइंट से हो जाएगा और 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है जो मैं आपका करवा सकता हूँ।
तो आपका कुल मिलाकर 30% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।